नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनकवर में। एक बिच्छू का आकार आप क्या सोच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपकी हथेली के बराबर। एक काले भूरे रंग का जहरीला जीव जिसका एक डंक खतरनाक साबित हो सकता है। एक समय था जब बिच्छू धरती पर राज करते थे, तब ये हथेली के बराबर नहीं, इनका आकार बहुत बड़ा होता था। तब ये ज्यादा जहरीले होते थे। हाल ही में एक प्राचीन जीवाश्म का अध्ययन करने पर पता चला कि ये एक कुत्ते के आकार के होते थे। चीन के नानजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी एंड पैलियंटोलॉजी ने हाल ही में एक जीवाश्म की खोज की। ये एक बड़े बिच्छू का जीवाश्म था। जब इसका आकार नापा गया तो पता चला कि ये किसी आम कुत्ते के आकार के बराबर है। वर्तमान बिच्छुओं के आकार से करीब 16 गुना ज्यादा बड़ा। कुत्ते के आकार के जिस बिच्छू की बात की जा रही है, उसका जीवाश्म करीब 40 करोड़ साल पुराना है। ये बिच्छू उस समय चीन के समुद्र की गहराइयों का राजा हुआ करता था। इसे टेरोप्टेरस जियोहेनिनेस कहते हैं। ये कुत्ते के आकार का बिच्छू था जो आज के हर्शसु क्रैब और विप स्पाइडर का रिश्तेदार था। आज के बिच्छुओं की तरह ही इसके भी आगे की तरफ दो सूंड और पीछे एक डंक वाली पूंछ होती थी। ये मिसोपटेरिस यानी समुद्री बिच्छुओं का समूह था। इनकी खासियत ये थी कि इनके शरीर के अगले हिस्से में सूंड तो होती ही थी, साथ में हाथ भी होते थे जो शिकार को पकड़ने का काम करते थे। ये खोज की रिपोर्ट हाल ही में मेंसाइंस बुलेटिन जर्नल में प्रकाशित हुई है। कुत्ते के आकार का बिच्छू सिलूरियन काल में धरती पर रहता था। ये बात है करीब 44.38 करोड़ साल से लेकर 41.92 करोड़ साल के बीच की। ये समुद्र में बेताज बादशाह की तरह शिकार करता था। बेहतरीन शिकारियों की सूची में इसका नाम रहता था, क्योंकि ये अपने कटीले हाथों से मछलियों और मोलस्क को पकड़कर उन्हें खा जाता था। उसके हाथों को पेडिपलस कहते हैं। पुरानी स्टडीज में बात सामने आई है कि बाराकुडास और शार्क से पहले ये बिच्छू ही समुद्र में राज करते थे। समुद्र के सबसे बेहतरीन शिकारी होते थे। फिलहाल जिस नए जीवाश्म को खोजा गया है उसे यूरेप्टेडिरस कहा जाता है, क्योंकि इनकी पूंछ पर कई जहरीले कांटे होते थे जो इनके शिकार को मार देते थे या फिर उन्हें बेहोश कर देते थे। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।